information through various social medias also. Social media is having two parts. You can learn so many things and you can have some destructive things also in social media. It's up to you to choose. If you choose the knowledge from anything, so this will help you. From book, from the activities, from your skill development, anywhere. Knowledge is like even every day you can learn anything. और अभी भी हम लोग we are still in learning phase. तो knowledge और learning कभी खत्म नहीं होती. It's up to you कि how fast you learn the things and how what you execute the things in your life. That's the more important. Success कुछ नहीं है. जितना दिखता है दुनिया में सब मुश्किल ऐसा है नहीं. If you are really honest to yourself, you are really honest to your hard work, sincerity, nobody will stop you from getting success. So you have to work hard on it. Sincerely. एक होता है किताब लेके पढ़ रहे हैं 4 घंटे लेकिन 5 लफ्ज भी अंदर नहीं आता है, माँ बाप के डर से, टीचर के डर से पढ़ रहे हैं. एक होता है आप सिर्फ ½ an hour पढ़िए एंड यू कैन लर्न एवरीथिंग. इट्स ऑल योर एटीट्यूड, योर अप्रोच, हाउ यू यूटिलाइज योर एनर्जी. थैंक यू. सर, हाउ वी कैन डेवलप आवर स्किल्स? ये बताइए, आपका नाम क्या है? माय नेम इज बुशरा. बुशरा, आप क्या बनना चाहती हैं लाइफ में? तो डॉक्टर बनना चाहती हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड नॉट मैथ. तो ये 4 सब्जेक्ट को पूरे शुरू से पढ़ना पड़ेगा. बहुत हार्ड. जब आप डॉक्टर MBBS कर जाएंगे ऑटोमेटिकली आपका करियर बनना शुरू हो जाएगा. ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू क्लियर द टफेस्ट एग्जाम ऑफ MBBS. इट्स कॉल्ड नीट. नीट की प्रिपरेशन अभी से करनी पड़ेगी. फ्रॉम क्लास 8 ऑनवर्ड यू हैव टू वर्क हार्ड. और नीट में 15 लाख लोग बैठते हैं, स्टूडेंट बैठते हैं और सीट सिर्फ 1000s में. तो अगर आपको मेहनत करना है, आप सोच ले 15 लाख में 1000 सीट है तो कितना मेहनत, अपने आप को कितना अपग्रेड करना है. फ्यूचर सिक्योर सिर्फ होता है इफ यू आर प्रोफेशनली क्वालिफाइड. प्रोफेशनल डिग्री आएगी आपको ऑटोमेटिकली रास्ता निकल जाएगा. तो प्रोफेशनली क्वालिफाई करने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है, बहुत लगन, बहुत मेहनत. बुक है, टीचर है, यही मेहनत करना है. कोई बाहर से कुछ नहीं पढ़ना है. जो आपको टीचर पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ो. 90+ मार्क्स आएंगे और नॉलेज. पहले तो अभी यहाँ का कॉम्पिटिशन है पूरा, आपको क्लियर करना पड़ेगा. उसके बाद जब आप किसी भी एकेडमिक कोर्स में आ जाती है तो यू इम्प्रूव योर स्किल. इट डिपेंड्स ऑन योर नॉलेज, डिपेंड्स ऑन योर एप्लीकेशन. आप जो पढ़ रही हैं उसको लाइफ में अप्लाई कीजिए. दैट्स कॉल्ड स्किल. बस यही 2 चीजें. सिर्फ लड़कियाँ क्वेश्चन कर रही हैं, लड़के क्या फुटबॉल खेलने में सब मस्त रहते हैं, क्रिकेट एंड फुटबॉल. पता है लड़कियां, उनका परसेंटेज बहुत ज्यादा है, पास परसेंटेज है. नौकरी करनी पड़ेगी, आपके सारे बॉस लड़कियां होंगी कंपनी. कम अप. सर, हाउ कैन चूज माय एंबिशन? सॉरी, हाउ कैन चूज माय एंबिशन? ओके ओके, इट्स अप टू यू. एक्चुअली यू फील फ्रॉम इनसाइड. You feel from inside that I love to teach, I love to train people, so you will like teaching job. If you want to serve to the society, you can become the doctor. If you want to earn also very big, you can become the doctor. It's up to you. What's your ambition from inside? आप क्या करना चाहती हैं, आपका दिल क्या कहता है, दिल की सुने, अपने पेरेंट का, टीचर की सुने. और टीचर से बोलें कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरी अंदर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, और टीचर बताएंगे. Then you can choose your career accordingly. हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने कुछ न कुछ खूबियां दी हैं, तो वो खूबी को पहचानना सबसे इम्पोर्टेंट है. yes, टीचर पहचाने, आपके पेरेंट पहचाने, और आपको खुद लगता है कि नहीं मेरा करियर, मेरा पैशन यही है, आप अपना पैशन को पूरा कीजिए. उसको आपको बाहर से कोई नहीं बताएगा. यू हैव टू चेक फ्रॉम योर इनसाइड कि हमको क्या करना चाहिए जिससे मुझे अंदर से बहुत सेटिस्फेक्शन मिले लाइफ में. आप अपने दिल से पूछिए, अल्लाह से दुआ कीजिए और उनसे पूछिए कि वो क्या कहते हैं, नमाज होता है, इस्तिखारा कीजिए. अल्लाह से पूछिए कि भाई आप खुद आ जाएगा अपने अंदर फीलिंग, ख्वाब में भी आ जाएगा कि नहीं आप इस पर मेहनत करो, आप मेहनत करो. कोई दूसरा आपको नहीं बता सकता कि आप क्या चाहते हैं. यू हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम इनसाइड. उसके बाद मेहनत कीजिए उसके. यस सर, थैंक यू. बच्चों से मैं खुद पूछना चाहूंगा, कितने लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, हाथ उठाइए. मेजॉरिटी डॉक्टर. मेडिकल कॉलेज यहाँ बनाने का प्रदान करिए, आपके खुद के सबसे इम्पोर्टेंट है। कितने इंजीनियर बनना चाहते हैं बेटा? हाथ खड़ा कीजिए जिनको इंजीनियर बनना है। हाँ, लड़कों को क्या बनना है? कितने लड़कों को क्या बनना है भाई? इंजीनियर, डॉक्टर या पॉलिटिशियन, स्पोर्ट्समैन, ठेकेदार, कुछ नहीं बनना है। Sports, sports, good. Which sports? Football. Very good, very good. कुछ न कुछ बनने का एम्बिशन हमेशा से पालो कि हमको ये बनना है। जब तक ख्वाब नहीं देखोगे ताबीर करने की कोशिश नहीं करोगे, ख्वाब देखना शुरू करोगे। Always dream big and then try to achieve that. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। मेरी सवाल है कि हाउ कैन वी बिकम एन इंडियन आर्मी? इंडियन आर्मी, यू हैव टू क्लियर NDA, नेशनल डिफेंस अकेडमी एग्जाम। आफ्टर 10th यू कैन अपेयर फॉर NDA एग्जाम, and if you want after graduation there is one more exam, it's called CDS, combined defense service. You have to clear that, you can go. Secondly, in the English, secondly we are running the coaching classes throughout the Bihar and Jharkhand under the banner of Bihar Anjuman. तो आप लोग जब उस लेवल पे जाएंगे और अगर आपको कोचिंग की जरूरत है तो हम कोचिंग की पार्ट यहाँ से कराएंगे, और बाद में अगर अच्छे इंस्टीट्यूशन में आई तो फाइनेंशियल हेल्प भी चाहिए तो वी कैन मैनेज। आप लोग ये ना सोचें कि मेरे अल्लाह ने करे किसी के वालदेन के, मेरे वालदेन के पास पैसे नहीं है मैं कैसे पढ़ूंगी। आप अच्छा मार्क्स लाइए, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन आएगा, हमारी हम सबकी गारंटी आपकी तालीम पूरी करवाएंगे। आप अच्छा करके आइए। हम लोगों ने 15 साल से बिहार अंजुमन के थ्रू अब तक अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 20,000 इंजीनियर बनाए हैं, और सारे को रिक्शा, उनके पेरेंट रिक्शा चलाते हैं, करते हैं। मनु थ्रू वहाँ पे इस साल भी अराउंड 1,000 से ज़्यादा इंजीनियर और डॉक्टर की पढ़ाई शाहीन यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहे हैं। तो सब लोग हैं जो बच्चे अच्छा करते हैं, उनके ताउन के लिए लोग खड़े हैं, लेकिन अच्छा कीजिए, क्वालिफाई कीजिए, फिर आगे के लिए कोई परेशानी नहीं है। चलो, थैंक यू सो मच। Sir, how can we become an astro scientist? You have to be very, very good in physics. Do your subject physics. Do your BSc. After doing PhD, there is an entrance exam. you do in PhD you can go and appear in entrance exam. Then they will, this year there is a sir there from Aligarh, they are into the ISRO. So it's all depends on your level, on your understanding of physics, astrophysics and geophysics, space science. It's all related to physics. So focused on physics and mathematics. If you are good in physics and mathematics, automatically you are. But you have to be extraordinary. So ISRO में limited. You have to be top notch. So inshallah कोई मुश्किल नहीं। Okay.